अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मुझे काफी उम्मीद है आप लोगों से कि जितने भी मेरे प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे, आप लोगों को समझ आ गए होंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैंने तकरीबन प्रोडक्ट हंटिंग की 18 वीडियोस बनाई हैं। वो इसलिए बनाई है 18 वीडियोस के मैं आपको उन वीडियोस में एक एक पॉइंट क्लियर करवा सकूँ। मैं प्रोडक्ट हंटिंग की एक वीडियो भी बना सकती थी, 1 घंटे की वीडियो बनाती और आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग करवा, लेकिन नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चली हूँ ताकि आप लोग अच्छे से उसको समझ सकें, अच्छे से जान सकें कि प्रोडक्ट हंटिंग हम करते कैसे हैं, कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं, कंपिटिटर एनालिसिस कैसे करते हैं, हम टूल्स को कैसे यूज करते हैं, जेएस को कैसे यूज करते हैं, हीलियम 10 को कैसे यूज करते हैं, वायरल लॉन्च को कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने इसलिए एक एक वीडियो जो है ना वो बनाई है ताकि आप लोगों को इजीली तौर पर समझ आ सके कि इसके है क्या, इसमें हम करते क्या है, एक अच्छी प्रोडक्ट हम कैसे हंट करते हैं। तो जब हमारे पास ये प्रोडक्ट हंट हो जाती है, उसका नेक्स्ट स्टेप जो है ना हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट सोर्सिंग का, यानी कि हमने अपनी इन्वेंट्री, हमने अपनी प्रोडक्ट रेडी करवानी होती है बल्क की तादाद, यानी एक दो प्रोडक्ट्स, एक दो यूनिट्स तैयार नहीं करवाने होते, हमने हजारों की तादाद में यूनिट्स तैयार करवाने। तो प्रोडक्ट सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो आपने जो है ना करनी होती है। वो क्या चीजें हैं? वो ये होती हैं कि आपने जो है ना सबसे पहले पेटेंट चेक करवाना होता है, ठीक है? अब पेटेंट कैसे क्या होता है, मैं आपको ये थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ। पेटेंट क्या होते हैं, हम कैसे चेक करवाते हैं? सबसे पहले हम अमेज़न पे जाएंगे, ठीक है? जोन सी मार्केट है, वो सेलेक्ट करेंगे। Amazon.com, ठीक है? यहाँ पर हमने कोई भी कीवर्ड लिख लेना है, हम लिख लेते हैं आइसक्रीम स्कूप लिख लेते हैं, आइसक्रीम ठीक है। आइसक्रीम स्कूप हमें यहाँ पर लिख लिया। आइसक्रीम स्कूप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो हमें शो हो जाएंगे। ये देखें, ये मतलब कि पूरा पेज जो है ना, यहाँ पर जितने भी सेलर्स बैठेंगे आइसक्रीम स्कूप सेल कर, क्योंकि हमने मेन कीवर्ड लिख लिया आइसक्रीम स्कूप, उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि टॉप 10 में से ना कोई भी हमने अपना कंपिटिटर चूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हम इसको चूज कर लेते हैं अपना कंपिटिटर, टॉप 10 में से हमने कोई भी अपना कंपटीटर चूज कर लेना। आई थिंक नेट इशू है, इस वजह से जो है ना स्लो वर्किंग कर रही है। ठीक है, ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो हम प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले हमें करना होते हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी होती है। अगर हम इन पॉइंट्स को देखे बगैर प्रोडक्ट सोर्सिंग कर लेंगे तो हमारे पास, हमारे लिए बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल आ सकती हैं। जब हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होगा, सक्सेसफुल स्टेज पे चल रहा होगा, तो उस टाइम कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नहीं देखते और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करते हैं। तो इस वजह से जो है ना हम ये सब कुछ पहले चेक कर लेते। जी, ये हमने अपना कंपटीटर जो है ना वो ओपन कर लिया है। ये अब हमने चेक करना है कि जिसको हमने अपना कंपटीटर बनाया है उसकी प्रोडक्ट पेटेंट तो नहीं है, यानी इसकी प्रोडक्ट जो है ना वो पेटेंट तो नहीं है। ये वाला जो हमने जिस शेप को चुना है कि हमारी प्रोडक्ट सेम ऐसी होगी, तो हमने इसको पेटेंट चेक करना है। पेटेंट में आपको पहले लेक्चर ब्रीफली बयान कर चुकी हूँ कि डिजाइन पेटेंट क्या होता है, यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है,
और पेटेंट को हम कैसे चेक करवाते हैं। तो पेटेंट को चेक करवाने के ना दो तरीके होते हैं, या तो हम पेटेंट को खुद भी चेक कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल से भी चेक करवा सकते हैं। अब प्रोफेशनल हमें कहाँ से मिल सकते हैं? प्रोफेशनल हमें किसी भी ऑनलाइन ये फ्रीलांसर वेबसाइट से मिल सकते हैं, हमें फाइवर से मिल सकते हैं, अपवर्क से मिल सकते हैं, तो ये हमें फ्रीलांसर कहीं से भी मिल सकते हैं। ठीक है सर, इसकी हमने डिटेल भी पढ़नी होती है जब हम सोर्सिंग से पहले सोर्सिंग में जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट सोर्स करवाने जा रहे होते हैं, तो हमें इसकी पूरी अपने कंपटीटर की डिटेल पढ़नी होती है, इसके रिव्यूज देखने होते हैं, रिव्यूज में क्या क्या नेगेटिविटी है वो देखनी होती है, क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो हमने अपने मैन्युफैक्चरर को बतानी होती है कि भाई हमारी प्रोडक्ट में ये सब कुछ ना हो, ताकि हमारे रिटर्न्स और क्लेम्स ना आए, नेगेटिव रिव्यूज ना आए। तो ये सब चीजें जो है ना हमें प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले करनी होती है। तो कम्पिटिटर एनालिसिस पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, पेटेंट पे भी लेक्चर बनाया हुआ है, ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ कि आपने ये सब सब चीजें चेक करनी है प्रोडक्ट सोर्सिंग से पहले। ठीक है, हायर अ प्रोफेशनल फॉर पेटेंट, यानी पेटेंट के लिए आप प्रोफेशनल भी हायर कर सकते हैं, कंडक्ट थ्रू पेटेंट चेक योरसेल्फ, या खुद भी चेक कर सकते हैं। थर्ड पे हमने क्या करना होता है, ऑर्डर चेक सैंपल और मेन कंपटीटर एंड सप्लायर। अब देखें कि ये आपका मेन कंपटीटर है, ठीक है, आपका ये क्या है, मेन कंपटीटर। अब मैंने एक प्रोडक्ट हंट कर ली है, उसको हंट करने के बाद इसको अपना मेन कंपटीटर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट का एक पीस बाय करना है, कैसे बाय करना है, मैंने यहाँ पर जाना है, अभी जो है ना ये इस कंपटीटर के पास हमारे बाय बॉक्स शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो है ना उसका बाय बॉक्स शो हो रहा होता है और वहां पर लिखा हुआ होता है, यहाँ पर मैं मार्केट सेलेक्ट करती हूँ, ये देखें अब ये शो हो गया है क्योंकि वहां पर मेरी मार्केट सिलेक्ट करनी थी। ठीक है, हमने मार्केट का ध्यान रखना होता है, अपनी मार्केट सिलेक्ट करनी होती है। अब मैं इस कंपटीटर की, अपने कंपटीटर की जो मैंने चूज किया है, उस कंपटीटर की मैं क्या करूंगी, एक का प्रोडक्ट मंगवा लूंगी, यहाँ से मैं बाय नाउ कर दूंगी, एड टू कार्ट कर दूंगी। ठीक है, तो मैं अपने प्रोडक्ट, अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट मंगवाती क्यों हूँ, मुझे इसका क्या फायदा होता है, मुझे इसका ये फायदा होता है कि कल जब हम अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवा रहे होते हैं, अपनी सोर्सिंग की तरफ जाएंगे, अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करवाने के लिए अलीबाबा से जाकर सोर्स करेंगे, तो उस टाइम हमें कुछ सैंपल्स मंगवाने होते हैं चेक करने के लिए। वो सैंपल्स हमने इसलिए मंगवाने होते हैं ताकि हम अपने कंपटीटर जिसके साथ हमने मार्केट में कम्पीट करना है उसकी प्रोडक्ट से मैच कर सकें। तो जो जो सप्लायर की तरफ से हमें सैंपल आएगा, यानी जो हमें प्रोडक्ट आएगी, अगर वो हमारे कंपटीटर से मिलती होगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलती होगी तो हम अपने मैन्युफैक्चरर से बात करेंगे कि भाई हमारे जो है ना उस कंपटीटर की प्रोडक्ट से नहीं मिलती, इसमें ये है, हम चेंज करवाएंगे उसको। ठीक है, अगर हमारा क्लाइंट यूएसए का है तो हमने क्या करना है, अपने क्लाइंट को कह देना है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ना आप बाय करके अपने पास रख लें, क्योंकि जब हमें कल सोर्सिंग करवानी होगी, हम सैंपल मंगवाएंगे, तो हमने वो वाली प्रोडक्ट अपने कंपटीटर से मैच करनी है। ठीक है, इसलिए हम जो है ना ये मंगवाते होते हैं सैंपल, ताकि हम अपने कंपटीटर की प्रोडक्ट से मैच कर सकें। अब चौथा स्टेप है, ये भी हमने करना होता है ताकि कल को हमारी जो है ना प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे कंपटीटर से हल्की ना हो, सेम वही क्वालिटी हो, क्योंकि उसकी जब उस प्रोडक्ट पे इतनी सेल्स आ रही है, अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं होगी, हमारी प्रोडक्ट सेम वैसी नहीं बनी हुई होगी, तो हमारे जो है ना सेल्स में फर्क आ सकता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है मेक डमी लिस्टिंग ऑन अमेजोन। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि डमी लिस्टिंग क्या हो, ठीक है ना, मतलब हमने सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। हमने अमेजोन पर इस, अब अमेजोन पर लिस्टिंग बनाने का फायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप सोर्सिंग की तरफ जाने से पहले जब डमी लिस्टिंग बनाते हैं, डमी लिस्टिंग क्रिएट करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप लिस्ट करने के लायक भी है या नहीं है, ये प्रोडक्ट गेटेड भी है या नहीं है, वो आपको बता देती है कि ये प्रोडक्ट गेटेड है, ये प्रोडक्ट अनगेटेड है। अगर तो गेटेड नहीं होगी तो लिस्ट इजीली हो जाएगी, अगर गेटेड होगी तो वहां पर वो आपको आगे जाने ही नहीं देगा, आपको ऑप्शन शो कर देगा कि आप इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट की लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है,
तो आप सबसे पहले जो है ना अमेजोन पर डमी लिस्टिंग बनाते हैं ताकि बहुत सारे इश्यूज जो है ना वो इससे पहले ही सॉल्व हो जाए और हमें सोर्सिंग के बाद कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको ये 4-5 मेन पॉइंट्स हैं ये आपको सोर्सिंग से पहले करने पड़ते हैं। पेटेंट चेक करवाना पड़ता है, अपने कंपटीटर का जो है ना वो एक सैंपल मंगवाना पड़ता है ताकि जब आपके सप्लायर की तरफ से सैंपल आए तो वो दोनों प्रोडक्ट्स आप मैच कर सकें, ठीक है। और आपको डमी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है, डमी लिस्ट आपको ये बताती है कि ये प्रोडक्ट गैटेड है या नहीं है, और भी अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन अमेजोन मांगता है तो वो लिस्टिंग में शो कर देती है डमी लिस्ट बनाने से, ना ये फायदा होता है। तो नेक्स्ट जो है ना हम मूव करेंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होती है, हम कैसे अपने सप्लायर को प्रोडक्ट्स का ऑर्डर करते हैं, कैसे उसे निगोशिएट करते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी सब वन बाय वन करके। जैसे मैंने प्रोडक्ट हंटिंग के लेक्चर्स दिए हैं एक एक स्टेप करके, इस तरह मैं आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के लेक्चर्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इन हमारा जो है ना मकसद क्या होता है ये सब चीज़ें चेक करवाने का, क्योंकि एक हमारा जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा रनिंग में है। अगर बहुत ज़्यादा रनिंग में, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टेज पर, बाद में हमें पता चल जाए कि हमारी प्रोडक्ट पर तो भाई पेटेंट था, तो वो चला चलाया बिजनेस हमारा ठप हो सकता है। एक तो ये फायदा होता है डमी लिस्ट बनाने का, ये फायदा हो जाता है कि अगर हम डमी लिस्ट नहीं बनाते, डायरेक्ट अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे चले जाते हैं और बाद में सोर्स हो जाती है प्रोडक्ट, और बाद में हमें पता चलता है भाई हमारी प्रोडक्ट तो गेटेड थी, तो हमारी सारी इन्वेंट्री जाया हो सकती है। हमें फिर जो है ना स्टार्ट से काम करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करवानी पड़ेगी, अमेजोन को देना पड़ेगा, बहुत फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो क्यों ना इस टेंशन से बचने के लिए छोटा सा प्रोसेस हम पहले कर लें, सब कुछ पहले कर लें। ये $100 लगते हैं प्रोडक्ट पेटेंट के लिए, पेटेंट चेक हो जाता है। लिस्टिंग के लिए हमें इसे जस्ट यूपीसी कोड की जरूरत होती है, और क्या कंपेटिटर का हमने एक सैंपल मंगवाना पड़ता है, लेकिन ये है कि हम मजीद टेंशन से बच सकते हैं।